अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं स्पेनिश ऑमलेट और इसके लिए हमने अचार यहाँ पे ले लिए हैं। एक दरमियानी प्याज और उसके ढाई हमने बारीक सावा चॉप कर लिया है। इस तरह से एक टमाटर ले लिया है, इसका सेंटर का हिस्सा निकाल कर हमने इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। तीन अदद सब्ज मिर्च ले के इन्हें भी हमने बारीक काट लिया है। बंद गोभी का एक हिस्सा लेकर हमने इसको भी काट लिया है और एक दरमियाने साइज़ का आलू लेकर हमने उसको भी क्यूब्स में काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ऑयल ऐड कर रहे हैं हम तकरीबन 3 टेबल स्पून, 3 से 4 टेबल स्पून आप ऑयल यूज़ करेंगे और उसमें शामिल कर देंगे आलू। आलू आप ऐड करके इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे इसमें ऑयल के अंदर। अच्छी तरह से इनको आप फ्राई करेंगे और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इसमें हम प्याज भी शामिल कर देंगे। तो आप देखिए कि हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, एक दरमियाने साइज़ का आलू लिया है और उसी एतबार से हमने बंद गोभी भी, जितना हमने प्याज लिया है उतनी ही हमने बंद गोभी ली है। तो आप अगर कम यूज़ करें क्वांटिटी वेजिटेबल की तो आपको अंडे भी उसी तनासुब से इस्तेमाल करने हैं। अगर आपकी वेजिटेबल ज़्यादा है तो आप उसी उसके मुताबिक आप अंडों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो हमने बंद गोभी डाल दी है और इन तमाम वेजिटेबल को हम फ्राई करेंगे। आप अगर कुछ और वेजिटेबल भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस की हो। टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो है वो हम ऑप्शनली यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उनका टेस्ट जो है वो ऑमलेट में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने ऑमलेट में टमाटर भी यूज़ किया है और उसका हमने बीच का हिस्सा निकाल दिया है, सिर्फ उसके अपर साइड जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब टमाटर भी यहाँ में डाल देंगे और इन तमाम वेजिटेबल को हम अच्छी तरह से कुक करने के बाद एक बर्तन में निकाल लेंगे। और ये तमाम प्रोसेस तकरीबन 8 मिनट में, 8 से 10 मिनट हमें लगेंगे और ये वेजिटेबल जो है हमारी रेडी हो जाएंगी। इसमें फ्लेवर के लिए हम काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल करेंगे इन इस वेजिटेबल में। यहाँ पे हमने ले लिए हैं 3 अंडे और इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून दूध और जो हमने सब्ज मिर्च काटी थी बारीक वो भी इसमें ऐड करके हम अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे विस्कर की मदद से। और अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन हो तो आप इस मौके पर ज़रूर इसमें शामिल करें। स्प्रिंग अनियन जो है वो ऑमलेट में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है और वो जान होता है ऑमलेट की, तो आप स्प्रिंग अनियन ज़रूर यूज़ करें। तो अब इसके बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं नमक और काली पिसी मिर्च, अपनी टेस्ट के मुताबिक आप शामिल कर लेंगे इसको। और इसको एक बार फिर हम अच्छी तरह से फ्लफी सा कर लेंगे अंडे को फेंटने के बाद। और अब जो हमारी वेजिटेबल ठंडी हो चुकी है, हमने बर्तन में निकाल ली थी, वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसको एक बार फिर फेंट लेंगे। इसको फेंटने के बाद हम वही फ्राई पैन यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने तमाम सब्ज़ी जो है वो फ्राई की थी, उसी ऑयल में हम शामिल कर देंगे ये अंडे और वेजिटेबल जो हमने मिक्स कर लिया मिक्सर, ये हम शामिल कर देंगे उसी पैन के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐड करते हैं इसको और इस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि तो वेजिटेबल सारी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्योंकि हमारा फ्राई पैन बड़ा है, बड़े साइज़ का है। तो अगर आपके पास छोटे साइज़ का ये फ्राई पैन होगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और बहुत मोटा सा आपका ये ऑमलेट जो है एक थिक सी उसकी लेयर बन जाएगी। तो इसको हम बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे, धीमी आंच कर देंगे और उस पर हमने इसको पकाना है। और इसके ऊपर हम जो है वो मोज़रेला चीज़ इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। इस वक्त घर में थोड़ा सा मौजूद है तो हम ज़रूर इस पर करेंगे। अगर आपको ज़्यादा इसका फ्लेवर पसंद है तो इस पर ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं।
तो हमने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी है। आप भी एक प्लेट रखकर इसको इसकी साइज चेंज कर सकते हैं, ये काफ़ी थिक सी लेयर बनती है इसकी, तो ये आप इजीली इसकी साइज चेंज कर सकते हैं। तो आप दोनों तरफ से देख लें, जिस तरफ हमारा चीज़ डला था उस लेयर भी देख लें, और दूसरी लेयर जो है वो पीछे का साइड है जिसमें हमने यूज़ नहीं किया मुज़रेला चीज़, तो ये बैक साइड है। तो अब हम आपको उसकी टर्न करके ये ऊपर की साइड भी दिखा रहे हैं जहाँ हमने अब मुज़रेला चीज़ डाला था। तो ये बहुत मज़े का ऑमलेट बनता है, आप बनाएं ज़रूर से, खाएं और हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।